हेलो दोस्तों, आज हम हेल्टर नेक्स कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो हमने इसमें इसकी लेंथ चौड़ाई रखी है, शोल्डर की 6 इंच रखी है यहाँ से। और पहले हम जब यहाँ से कॉलर बनाने के हेल्टर नेक बनाने के 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर नॉर्मल कुर्ती जो लगती है उसकी तरह निशान लगाना है। तो हम इसमें 6 इंच पर अपने कॉलर का निशान लगाएंगे, गले का, नेक की। और ये हमारा शोल्डर हो गया यहाँ से, जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग होती है एकदम वैसे ही काटना है। और यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे 6 इंच पर। इसका एक बॉक्स बनाते हुए हम इसे गोल कर देंगे। यहाँ से हम चेस्ट रखा है मैंने चौथाई हिस्सा 6 इंच, और यहाँ से हिप वेस्ट रखेंगे 5.5 इंच पर। यहाँ से मैंने हिप रख दिया है 7 इंच पर। अब इन तीनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा मार्जिन का हो गया ये इतना। तो सेम टू सेम हमें ऐसे कपड़े पे काटना है, अपने लंबाई चौड़ाई के अनुसार हमें काटना है। तो अब हम नेक डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है, इस तरह सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच लेंगे। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई गले की। अब हम इसमें नेक डिजाइन करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने इसमें 2.5 इंच रखी है यहाँ से, और लेंथ मैंने इसकी रखी है 6 इंच। तो इसमें मैंने नेक डिजाइन दिया है, मटके का शेप दिया है इसमें। इस तरह से जो बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। और यहाँ से हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद अब हम इस पर आएंगे कटिंग पर। तो इस तरह से हमारा शोल्डर नेक कुर्ती बनकर तैयार हो गया। और यहां से हम शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे बैक और फ्रंट को सिलने के बाद। लास्ट में ये सब काम होगा, इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। तो हमारा ये हेल्टर नेक कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो आप भी बनाना अपने लेंथ के कपड़े पर।